तो क्या हाल चाल भाई लोग, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो के अंदर हम सब बातें करने वाले हैं मोटोरोला के आने वाले फोन मोटो वन विजन के बारे में। अब वैसे आपको याद होगा मैंने इस फोन के ऊपर ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस बना रखी है चैनल के ऊपर, लेकिन मेरे भाई आपको बता दूं अभी रिसेंटली में इस फोन की ऑफिशियल लॉन्च डेट कन्फर्म कर दी गई है और साथ ही साथ अभी रिसेंटली में ही मोटो वन विजन के यहाँ पे काफी सारे ऑफिशियल रेंडर्स भी निकल के आए हैं। तो हाँ मेरे दोस्त, हमेशा की तरह आप लोग बने रहो, चिपके रहो इस वीडियो पे पूरे लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम सब इसी फोन के बारे में बातें करने वाले हैं। और स्टार्ट करते हैं फिर बिना कोई बकवास के इस वीडियो को। मैं हूं ऋषभ और आप लोग देख रहे हो ऋषभ टेक। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि हम सब जानते हैं मोटोरोला का क्या हाल है खासकर इंडिया जैसे कंट्री में, ये बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। मतलब भाई साहब, फिर चाहे आप लोग बातें कर लो मोटो की G7 लाइनअप के बारे में या फिर बातें कर लो G6 लाइनअप के बारे में, मतलब एक जो फोन इन्होंने ठीक ठाक सा लॉन्च किया था इंडिया के अंदर जो मुझे याद आ रहा था वो था मोटो वन पावर, जो कि हाँ एक अच्छा फोन था ये बात मैं भी मानता हूँ। लेकिन भाई साहब इसके बाद तो अब देखो, ये गलती लिनोवो की है या फिर मोटोरोला की मुझे नहीं पता। मतलब यार मैं क्या यहाँ पे कोई भी दूसरा यूट्यूबर आपको इनके फोन रिकमेंड करता नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है भाई साहब अब इस के आ जाने के बाद, और अगर मोटोरोला वालों ने इस फोन की प्राइसिंग सही रखी तो सच बता रहा हूँ ये फोन 100% कैपेबल है मोटोरोला का सीन चेंज करने का। क्योंकि मेरे भाई अगर सबसे पहले बातें करें रेंडर्स के बारे में, तो यहाँ पे जो पहली चीज आप लोगों को नजर आ जाएगी वो है ये पंच होल कैमरा कटआउट, और बाकी तो भाई साहब जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो यहाँ पे आपको एक फुली बेजलेस स्क्रीन नजर आ जाएगी। और सच बताऊं तो इस फोन की जो डिस्प्ले है वो टोटली एक गेम चेंजर साबित हो सकती है अगर इस फोन की जो प्राइसिंग है वो 20,000 से कम होती है, क्योंकि ये बात आपको भी पता है कि इस प्राइस पे हमें कोई ऐसा डिस्प्ले वाला फोन फिलहाल के लिए तो मार्केट में देखने को नहीं मिला है। सो अगर मोटो वन विजन के साथ आपको सचमुच में कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है तो सच बता रहा हूं ये काफी ऑसम बात होगी। और वैसे हाँ, जब इस फोन की डिस्प्ले की बात कर ही रहे हैं तो आपको बता देना चाहता हूँ इस फोन की स्क्रीन का एस्पेक्ट रेशियो होने वाला है 21:9 का, और शायद अगर आपको याद होगा तो ये सेम डिस्प्ले एस्पेक्ट रेशियो हमने ऑलरेडी देख रखा है एक्सपीरिया 1 में, तो ये बात तो कंफर्म है कि इस फोन की जो स्क्रीन है वो भी काफी ज्यादा सिनेमैटिक होने वाली है। बाकी यहाँ पे रेजोल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा फुल एचडी प्लस वाला। और वैसे इस रेंडर को देखने के बाद हमें ये बात मालूम चल जाती है कि अगेन ये फोन काफी ज्यादा प्रीमियम भी होने वाला है, क्योंकि जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो मोटो वन विजन के साथ आपको मेटल एंड ग्लास का सैंडविच डिजाइन नजर आ जाएगा, जो कि अगेन एक काफी ऑसम बात होगी। खैर अब कैमरास की बात कर लेते हैं, तो जैसे कि आप लोग इस रेंडर में देख पा रहे हो यहाँ पे जो कैमरास की पोजीशनिंग होने वाली है वो वर्टिकली होने वाली है साइड की तरफ पे। अब रही बात कैमरा स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो आपको बता देना चाहता हूँ अभी रिसेंटली में एक लीक निकल के आई थी जो कि हमें इस बात को कंफर्म करके बता रही थी कि इस फोन के साथ आपको एक 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिलने वाला है। अब फिलहाल भी तो ये बात मुझे भी नहीं पता कि ये सोनी MX586 होगा या फिर सैमसंग का 48 मेगापिक्सल का सेंसर होने वाला है, तो देखो फिलहाल के लिए हमें ये वाली बात देखने वाली होगी। लेकिन इसे अगेन कंबाइन किया जाएगा एक 8 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसिंग कैमरा के साथ। फ्रंट साइड की स्टोरी कुछ ऐसी होगी कि इस फोन के साथ आपको एक 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है। अब जल्दी से बात ही कर लेते हैं कुछ इंटरनल चीजों के बारे में, और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस फोन के साथ आपको इस बार सिर्फ 3500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि यकीन थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा मोटो वन पावर के साथ आपको 5000 mAh की काफी बड़ी बैटरी देखने को मिलती थी। लेकिन फिर भी 3500 mAh की बैटरी यार उतनी भी कम नहीं होती, तो देखो फिलहाल के लिए तो ये वाली बात देखने वाली होगी। लेकिन एक अच्छी बात इस फोन के साथ ये है कि भाई साहब आपको इस फोन के साथ भी मोटोरोला की टर्बो चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि अगेन एक काफी कमाल का फीचर है। खैर अब जो भी है आगे बढ़ते हैं और अब बातें कर लेते हैं परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट के बारे में, और यहाँ पे सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ इस लीक के हिसाब से इस फोन के साथ आपको देखने को मिल जाएगा एक्सिनोस का 9609 चिपसेट, जो कि अगेन काफी कुछ सिमिलर है एक्सिनोस के 9610 चिपसेट से, जिसके बारे में आपको याद होगा आपको ऑलरेडी सैमसंग गैलेक्सी A50 जैसे फोन में आपने देख रखा है, तो ये बात आपको भी पता है कि ये चिपसेट कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन फिर भी जिन भाइयों को अभी तक समझ नहीं आया आपको बता देना चाहता हूँ इस फोन के साथ आप लोग Qualcomm Snapdragon 660 इतनी परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। तो हाँ देखो, ये बात भी कंफर्म है कि परफॉर्मेंस वाइज भी ये फोन काफी ज्यादा डिसेंट है। तो हाँ मेरे भाई देखो, ये तो थी अभी तक की कहानी मोटोरोला के आने वाले इस नए फोन मोटो वन विजन की। अब वैसे यहाँ पे आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियन है इस फोन के बारे में, आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। और बाकी तो इस वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे भाई एक लाइक छपकाओ, चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मतलब यार कर क्या रहे हो, आप लोग सब्सक्राइब कर लो जल्दी से चैनल को जाके उस लाल वाले बटन को दबा के, और हाँ उस घंटे को दबाना तो यार बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि उसके बगैर आपको ऐसी और काफी कमाल की वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। तो मेक श्योर आपका नोटिफिकेशन बेल ऑन होना चाहिए। और चलो फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए